हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स जुई। और मैं हूँ जुई। इस गर्मी में हमारे स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन लोशंस और सनस्क्रीन पाउडर। हम मैक्सिमम लोग ये करते हैं, सिर्फ सनस्क्रीन लोशन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, सनस्क्रीन पाउडर यूज़ नहीं करते। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस धूप में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बाहर कहीं जा रहे हैं और सिर्फ सनस्क्रीन लोशन ही यूज़ किया, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ सिर्फ सनस्क्रीन नहीं, सनस्क्रीन के साथ साथ सनस्क्रीन पाउडर का भी यूज़ कीजिए। क्योंकि इतना हानिकारक यूवीए एंड यूवीबी रेस सिर्फ सनस्क्रीन लोशन हमारी स्किन को टोटल प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। इसीलिए सनस्क्रीन के लोशन के साथ साथ अगर आप सनस्क्रीन पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं तो स्किन के लिए वो डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं आज एक सनस्क्रीन पाउडर की रिव्यू करने वाली हूँ सबके सामने, और वो है केया शेट की अम्ब्रेला सनस्क्रीन पाउडर, जो कि बहुत अच्छे है। मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट के रिव्यू करने जा रही हूँ सबके सामने। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साइड पर जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये है वो अम्ब्रेला सनस्क्रीन पाउडर, आप देख सकते हैं। और एक एक करके मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ इसमें कितनी क्वांटिटी मिलता है, इसका प्राइस कितना है, इसका पैकेजिंग कैसे है, और इस टोटल कितने SPF पे आते हैं, और इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम पहले इसके SPF के बारे में बात करते हैं। ये टोटल 2 SPF में मिलता है, और मेरे पास है 25 का SPF और एक है 50 SPF का। मैं 25 SPF की सनस्क्रीन पाउडर को यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा जो सनस्क्रीन लोशन है उसका SPF है 40, तो उसका SPF 40 है और सनस्क्रीन पाउडर के SPF है 25, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर आपके सनस्क्रीन के SPF बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि वो 15 है, 20 है, 25 है, तो आपको मैं कहूँगी आप इस सनस्क्रीन पाउडर की जो 15 वाला जो SPF है आप उसे यूज़ करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है केया शेट एरोमा थेरेपी अम्ब्रेला सनस्क्रीन पाउडर, PA++ UVA SPF 25, UVB डबल प्रोटेक्शन पाउडर बेस स्वेट रेजिस्टर फार्मूला, जो कि बहुत ही अच्छे बात है। इसके डबल प्रोटेक्शन UVA और UVB दोनों रेस ही हमारे स्किन को प्रोटेक्शन दे पाता है। अब हम इसके पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। इसके पैकेजिंग इस ऑरेंज कलर के ऐसे एक डब्बे में आता है, उसे इस तरह से ओपन करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइट है, जो कि बहुत ही अच्छे है। अब इसे लेकर आप ट्रैवल करते हैं तो गिरने का कोई चांस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसे लॉक करने के लिए एरिया दे रखी है। तो ये है टोटल प्रोडक्ट, देख सकते हैं। और इसके सबसे अच्छे बात ये है इसका कलर है चंदन कलर की, समय और लेके दिखाती हूँ। देखिए इसे कलर है चंदन कलर की, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत से सनस्क्रीन पाउडर के मैंने देखा कलर होता है वाइट कलर, जो स्किन पे अप्लाई करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा वाइट दिखता है, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। इसका कलर है चंदन कलर, तो आपकी स्किन कलर के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई हो जाता है, और नहीं लगता है कि कोई मेकअप या वगैरह कुछ किया, थोड़ा सा गिर भी गया। पैकेजिंग बहुत ही अच्छे है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इसे बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। इस प्रोडक्ट की खुशबू के बारे में बात करते हैं, तो चंदन के जो खुशबू होता है सेम वही खुशबू है इसके। चलिए अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका कितना क्वांटिटी है और इसका प्राइस कितना है। और इसका प्राइस है 170 और इसके क्वान्टिटी है 50 ग्राम, जो कि बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है। 25 SPF में मिलता है आपको, 50 ग्राम मिल रहा है, और वो भी सिर्फ 170 रुपये में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे यूज़ करना है। बहुत लोग ऐसे होता है कि सनस्क्रीन को डायरेक्टली आपके फेस पे यूज़ कर लेता है, और ऐसे भी होता है सनस्क्रीन पाउडर को भी डायरेक्टली फेस पे यूज़ कर लेता है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सनस्क्रीन को यूज़ सनस्क्रीन लोशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद ही सनस्क्रीन लोशन को यूज़ करना चाहिए, और सनस्क्रीन लोशन को यूज़ करने के बाद ही सनस्क्रीन पाउडर को यूज़ करना है। अगर आप कोई भी सनस्क्रीन लोशन यूज़ नहीं किया और ये सनस्क्रीन पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप जो भी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, यानी कि सनस्क्रीन लोशन यूज़ करते हैं, पहले तो उसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए टोटल फेस पे, और उसके बाद ही इस सनस्क्रीन पाउडर को यूज़ कर लीजिए, तो डबल प्रोटेक्शन मिलेगा आपको UVA और UVB रेस भी। और गाइस, इस सनस्क्रीन पाउडर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, यानी कि ये ऑल स्किन टाइप पर बहुत ही अच्छे सूट हो जाता है। मेरे स्किन टाइप ऑयली है, तो मैं जब इसे यूज़ करके बाहर निकलती हूँ तो बहुत टाइम से मेरी स्किन बहुत ही अच्छे रहता है, कुछ ऑयल नहीं होता है, ऑयल नहीं निकल आते हैं, जो कि बहुत अच्छे है ऑयल्स के बालों के लिए।
तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अगर आप सिर्फ सनस्क्रीन लोशन यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप इस सनस्क्रीन पाउडर को जस्ट एक बार यूज़ करके देखें। मुझे लगता है डबल प्रोटेक्शन मिलने वाला है आपको यूवीए और यूवी रे से भी। सनस्क्रीन सबसे अच्छी बात ये है, ये यूज़ करने के बाद ये तो बिल्कुल नहीं लगता जब बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया आप, पर ये लगता है आपकी स्किन बहुत ही क्लीन लगता है, बहुत ही फ्रेश लगता है, बहुत ही मैट दिखता है, जो बहुत अच्छे बात है। मैंने सुना है बहुत सारे लड़के ये कहता है सनस्क्रीन लोशन सनस्क्रीन पाउडर तो सिर्फ लड़की के लिए है, हम उसे यूज़ करके क्या करेंगे। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सन आपके स्किन को आप बॉय है इसलिए उसे छोड़ देता है, उसे उसका यूवी रे और यूवी बी के आपके स्किन पर नहीं आता है। तो आपकी स्किन पर जो भी प्रॉब्लम है पिम्पल्स है, बहुत सारे लड़के के ये प्रॉब्लम है पिम्पल्स हो जाता है, जिसे सबसे ज़्यादा कारण ये है आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं इसीलिए। उसके पीछे जितना ही पैसे इन्वेस्ट करें कुछ होने नहीं वाला है जब तक आप धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन और सनस्क्रीन पाउडर को यूज़ नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इसे ज़रूर यूज़ करके देखें, नहीं तो आपका पिंपल्स और जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो कभी भी आपके स्किन से ऊपर से जाने नहीं वाला है। इस एक्याजेट के अमरला सनस्क्रीन पाउडर को ऑनलाइन से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। अगर आपको कैशेट के सनस्क्रीन के बारे में कुछ जानना है तो उसका रिव्यू मैं पहले ही कर चुकी हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। सो गाइस, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।